तो गाइस लिटरली अभी लॉकडाउन चल रहा है और हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी चीजें हमें इस लॉकडाउन में देखने को मिलेगी। सबसे पहले यूट्यूब टिकटॉक कंट्रोवर्सी चली, फिर कैरी का वीडियो आया, फिर कैरी का वीडियो यहाँ पर लिटरली डिलीट हो गया, फिर इतना टिकटॉक के वर्सेस हेट फैल गया ऑडियंस में कि लिटरली टिकटॉक की रेटिंग 4.5 स्टार से सीधा 2.0 स्टार हो गई। और गाइस इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतनी रेटिंग्स कम करने के बाद अब सबके मन में एक ही सवाल है भाई कि टिकटॉक कब यहाँ पर डिलीट हो जाएगा प्ले स्टोर से, या फिर कब उसे बैन कर दिया जाएगा, कब उसे हटा दिया जाएगा प्ले स्टोर से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आप टिकटॉक सच में बैन हो जाएगा प्ले स्टोर से, या फिर क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन है जिनके वजह से टिकटॉक बैन हो सकता है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि बहुत तगड़े वाली वीडियो मैं ऐसे लेकर आता रहता हूँ इस चैनल पर। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो मत करना, वीडियो एंड तक देखना, अगर पसंद आए तभी लाइक करना। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिकटॉक यहाँ पर बैन होगा या नहीं प्ले स्टोर से, इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोई भी एप्लीकेशन क्यों यहाँ पर बैन या फिर डिलीट होता है प्ले स्टोर से। तो इस प्ले स्टोर ने हमारे फोन के सिक्योरिटी के लिए, यानी हमारे सिक्योरिटी के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई है जिन्हें गूगल प्ले प्रोटेक्ट कहते हैं। तो आपने यहाँ पर प्ले स्टोर पर कई बार पढ़ा होगा दिस ऐप इज वेरीफाइड बाय गूगल प्ले प्रोटेक्ट। तो उसके अंदर कई सारे रूल्स आते हैं जिनमें बताया जाता है कि एक एप्लीकेशन डेवलपर को एप्लीकेशन को किस तरीके से बनाना है कि जिससे वो हमें हार्म ना करे। अगर उस पॉलिसी का या फिर उस रूल का वायलेशन कोई भी एप्लीकेशन करता है तो उसे यहाँ पर प्ले स्टोर बैन कर देता है प्ले स्टोर से। ये है गूगल की प्ले प्रोटेक्ट पॉलिसीज, और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि किन किन चीज़ों पर ऐप को रिमूव या फिर सस्पेंड किया जा सकता है प्ले स्टोर से। तो गाइस सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर मालवेयर या फिर कोई वायरस जो कि अगर किसी एप्लीकेशन के थ्रू आपके फ़ोन में आता है तो यहाँ पर एप्लीकेशन को रिमूव किया जा सकता है प्ले स्टोर से। इसी के साथ गाइस यहाँ पर अगर कोई एप्लीकेशन आपके प्राइवेसी को ट्रिगर करने वाली परमिशंस मांगता है जैसे SMS और कॉल लॉग्स, तो इस ऐसे कंडीशन पर भी यहाँ पर इजीली यहाँ पर प्ले स्टोर रिमूव कर सकता है उस एप्लीकेशन को। इसी के साथ गाइस किसी एप्लीकेशन में अगर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट हो तो भी यहाँ पर प्ले स्टोर इजीली उस एप्लीकेशन को बैन कर सकता है अपने प्ले स्टोर से। तो गाइस अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या यहाँ पर टिकटॉक की रेटिंग कम होने से टिकटॉक यहाँ पर बैन हो जाएगा प्ले स्टोर से। तो गाइस ये कोई यहाँ पर एक प्रॉपर रीजन नहीं है किसी भी एप्लीकेशन को डिलीट करने के लिए प्ले स्टोर से। मतलब मैं आपको एक शॉप का एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि अगर यहाँ पर एक स्मार्टफोन की शॉप है जहाँ पर एक लो क्वालिटी के स्मार्टफोन मिलते हैं, तो गाइस इस रीजन के वजह से कोई उस शॉप को बंद नहीं करवा सकता। मतलब लोगों को बता सकते हैं कि भाई उस शॉप पर बहुत ही घटिया क्वालिटी के स्मार्टफोन मिलते हैं और उस शॉप से स्मार्टफोन मत लेना। मतलब आप उस शॉप की इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली रेटिंग कम कर रहे हो। तो यही बात यहाँ पर टिकटॉक के साथ हुई है। मतलब उसकी रेटिंग कम करने से उसको यहाँ पर रिमूव नहीं कर सकते। तो ऐसे यहाँ पर गूगल पे प्रोटेक्ट की पॉलिसीज में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि किसी भी एप्लीकेशन की रेटिंग यहाँ पर कम हो तो उसे यहाँ पर डिलीट या फिर रिमूव किया जाएगा प्ले स्टोर से। तो गाइस और भी कई एप्लीकेशन है यहाँ पर प्ले स्टोर पर जिनकी रेटिंग यहाँ पर 1.0 स्टार है या फिर 1.5 स्टार है, यहाँ पर रिमूव नहीं किया है प्ले स्टोर ने। तो गाइस आप जानते हैं कि क्या वो कंडीशन है जिनकी वजह से यहाँ पर टिकटॉक बैन हो सकता है प्ले स्टोर से। तो सिंपल यहाँ पर दो ही कंडीशन है। सबसे पहला है इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। गूगल पे प्रोटेक्ट के पॉलिसीज में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर लिखा है कि अगर किसी भी एप्लीकेशन में इनअप्रोप्रिएट कंटेंट हो तो उस एप्लीकेशन को यहाँ पर गूगल रिमूव कर देता है प्ले स्टोर से। तो गाइस कई लोग यहाँ पर सिर्फ रेटिंग ही कम नहीं कर रहे टिकटॉक की, वहाँ पर जाकर रिपोर्ट भी कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को एज अ इनअप्रोप्रिएट ऐप। तो गाइस अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल अगर रिपोर्ट करते हैं प्ले स्टोर पर टिकटॉक को एज एन इनअप्रोप्रिएट ऐप तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये एप्लीकेशन यहाँ पर बैन हो जाए प्ले स्टोर से। तो गाइस अब आती है सेकंड कंडीशन जहाँ पर गवर्नमेंट ने खुद से बैन लगा दिया था टिकटॉक पर। तो गाइस इस टाइप का अगर हो जाए फिर से, मतलब गवर्नमेंट अगर खुद, तो गाइस ऐसे कंडीशन में प्ले स्टोर को भी अपने स्टोर से टिकटॉक को बैन करना पड़ेगा। लेकिन गाइस प्ले स्टोर यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को बैन करने से पहले उससे 90 दिन का एक वार्निंग नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हारे एप्लीकेशन में ये खराबी है, ये इनअप्रोप्रिएट है, तो इसे तुम सुधार लो। अगर 90 दिन के अंदर तुम सुधारते नहीं हो इस कंटेंट को या फिर इन चीज़ों को अपने एप्लीकेशन से, तभी यहाँ पर प्ले स्टोर रिमूव करता है किसी भी एप्लीकेशन को अपने प्ले स्टोर से। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या कंडीशन है जिनकी वजह से यहाँ पर टिकटॉक बैन हो सकता है प्ले स्टोर से, या फिर बैन होगा भी या फिर नहीं होगा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ऐसे मोर इंटरेस्टिंग तगड़े टेक वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर का बटन है। तो फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।